दोस्तों, आज J7 का वीडियो डाल रहा हूँ ये मैं, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो छोटी सी है बिल्कुल ही। वो आपके हिसाब से तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही छोटी सी है, लेकिन जो लोग इग्नोर करते हैं ना ऐसी चीज़ों को, इसके लिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो वो ज़रूर देखना आप, और वीडियो एंड तक देखोगे पता चलेगा आपको इसमें। और मेरे हिसाब से क्या है, छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है ना, नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम है ये, और हल्की छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अपन जब ध्यान नहीं देते हैं ना इस पर, तो बहुत बार ये रहता है कि यार नहीं हो रहा है, क्या करूँ। ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि अपन ध्यान नहीं देते, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। छोटी है लेकिन वो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उससे क्रिएट मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसलिए क्या है, इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए वीडियो, आप देखिए पूरा, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। दोस्तों, ये J7 फ़ोन है, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इसमें कस्टमर बोल रहा है कभी नेटवर्क आ रहा है, और आ जाता तो अच्छा आता है, बाकी आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, मतलब आ तो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम बाद इमरजेंसी हो जाता है या दिक्कत आती है उसको। तो मतलब ये किसी दुकानदार भाई का है, इसमें आप देखेंगे इसको तो आपको मैं रियल में बताऊं तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने हीटिंग कर रखी है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हीटिंग कर रखी है, यहाँ पे ठीक है, इन्होंने यहाँ पे हीटिंग कर रखी है, देखिए ये सारी जगह पे, हालांकि यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी उनको। और फिर आप देखेंगे ये यहाँ पे भी इन्होंने हीट कर रखा है पूरा। अब देखने वाली बात ये है कि इस फोन में क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है, और पहली बात है ये दुकानदार भाई हैं जो कि इसको बराबर देखते नहीं हैं। मतलब भाई आप बोर्ड रिपेयर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो या तो वो डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं या फिर डायरेक्ट नीचे जाते हैं, या फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो फिटिंग लगाते हैं। वैसे चलेंगे तो मेरे हिसाब से फ़ोन रिपेयर नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा जड़ से, उसकी जड़ को ढूंढना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। आपको यहाँ से चलोगे ना तो आपको पता चलेगा, अब मैं यहाँ से चलूँगा ना तो प्रॉब्लम ये मेरे को सामने ही दिख रही है, अब मैं क्या इसमें रिपेयर करूँ, खाली एक जम्पर लगाऊंगा हो जाएगा ये। अब जूम फूट है, पूरा जूम किया हुआ है कैमरे को मैंने, ये देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ है, किसी ने कट मार रखा है, यहाँ तो ये कट मारा नहीं है, ये कट लग गया उसके हाथ से, और इसकी वजह से क्या है, एक लाइन है जो हो गई है ब्रेक इसकी। अब इसकी लाइन को मैं चेक करूँगा अभी कि वाकई में इसकी लाइन ब्रेक हुई है या फिर नहीं हुई है, अपन नीचे से डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं इसको। प्रॉब्लम छोटी है लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है, अब दोनों बातें हैं अपने पास, प्रॉब्लम छोटी है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ से लेके ये देखिए, मैं यहाँ से लेके यहाँ पे चेक करूँगा, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, देखो अभी ये नहीं आएगी, अगर कोई लाइन ही ब्रेक है आपकी ये वाली, तो अब लाइन ब्रेक है तो फिर आपका नेटवर्क कैसे आएगा इसके अंदर, ये जब लाइन ब्रेक है। क्योंकि मैं जितों को भी देखता हूँ, जितने भी काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि भाई देखते ही नहीं है फ़ोन को डायरेक्ट, ऐसा मत करो यार, ये नीचे से करोगे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन यूँ डायरेक्ट करने, अब आप बोलोगे इसमें क्या है, अब बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ है। अब उसका तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और आपके हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें क्या है, कभी कभी इतना उलझा देती है ना, क्योंकि अपन ये इज नहीं देखते हैं, क्यों देखेंगे भाई, और ये लाइन भी लोग बाग चेक नहीं करते हैं, क्यों करेंगे, यहाँ पे तो सही होगा, ऐसा नहीं है। अब समझ में ही नहीं आता उनको कि एक हल्का सा मीटर मीटर लेके नहीं बैठेंगे, वो यूट्यूब देख लेंगे पहले क्या कर रहा है वो, अरे मीटर तो तुम लेके बैठो कम से कम।
चलो अब मेरे को ही छीलना पड़ेगा, बात करने से मतलब ही नहीं है कुछ। अब मेरे को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, अंधा जो हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपसे, खाली हल्का सा अभी जंपर लगा देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत मायने रखती है। अगर अब आप बोलोगे इसमें कुछ है नहीं, अब यूँ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत कुछ है। क्यों, कस्टमर का नेटवर्क नहीं आ रहा। अभी मैंने इसको छील दिया, थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा इस पर मखनिया, उसके बाद आके काम शुरू करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, उससे अपने क्या फर्क पड़ता है। अब क्या है कि हल्की इसी यहाँ पे मैं बस ये सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे एक जंपर मार देता हूँ, जो कि अपना नॉर्मल जंपर रहता है सदाबहार। ये जंपर अभी लग चुका है, अब ऐसा कट लगा हुआ रहेगा तो कैसे नेटवर्क आएगा बाबा। ठीक है, साफ कर दिया अपन ने। काम कम कीजिए लेकिन साफ सुथरा कीजिए, कम काम अच्छा काम का, वो यूं ही बोलते हैं क्या, कम खाओ अच्छा खाओ। ऐसे कम काम करो, क्या बताऊं मैं, सुबह सुबह मूड बना रहा हूँ। ओहो, मेरा शर्ट खराब हो जाता अभी। साफ करना पड़ेगा ये थोड़ा सा। अब यहाँ पे हल्का सा अपन मक्खन लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया मक्खन। मक्खन लगाने के बाद में अपन इसको थोड़ा सुखा देंगे। वीडियो बहुत लेट आ रही है यार, थोड़ा क्या बताऊँ आपको, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ अभी। बनाएंगे बनाएंगे, थोड़े दिनों में अच्छी वीडियो और बनाएंगे। बहुत सोचता हूँ, विचार करता हूँ उसके बाद। आज तो ये मजाक मजाक में बना रहा हूँ, इसका बनाने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि यार ऐसा है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये समझ नहीं आ रहा, दो दुकानदार से होके आया होगा यार। फिटिंग लगाई है उसने, कोई बात नहीं, उसने दिमाग नहीं लगाया, हमने थोड़ा सा लगा लिया होगा शायद, हो सकता है ऐसा। चलो पैक कर देता हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी सिर्फ फोन को चालू किया है मैंने, दोस्तों अभी देखेंगे तो इसमें देखो। अभी एक मिनट, क्या हुआ, नेटवर्क क्यों छोड़ दिया, आया अब आएगा। अरे यार क्या हो रहा है,
सिम कार्ड वाले भी बड़े डराते हैं यार, सारा काम करने के बाद में इनके खुद के भी कंपनियां सही नहीं चल रही है। ये देखिए फुल नेटवर्क आ रहा है, ये क्या अभी देखेंगे ना, बीच में कस्टमर आते हैं, ये न तो अप डाउन हो रहा है, कुछ भी नहीं, नेटवर्क बिल्कुल ओके हो गया है। और प्रॉब्लम वही थी, छोटी प्रॉब्लम लेकिन बड़ी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये कोई मतलब दिखाने का नहीं था, लेकिन मैं बोला दिखा देता हूँ। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको मतलब आप उसको इग्नोर करते हो ना, इग्नोर नहीं, चेक करो, पूरा पूरा चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा, इग्नोर से कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।